दोस्तों जैसा कि आप सबको भाई पता ही है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भैया बिग बिलियन डील चल रही है, हज़ारों की तादाद में ऑफर्स आए हुए हैं। तो ऐसे में मुझको मतलब कि कई कमेंट्स याद आते हैं कि जो कि हमसे लोग पूछा करते हैं हमेशा कि अमर भाई मुझको यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, वो भी एक बजट सेगमेंट में। जब मैं किसी से बजट पूछता हूँ तो कोई कहता है कि भाई हमको 5,000 से 10,000 के बीच में चाहिए, क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग हमसे ये भी कहते हैं कि अमर भाई हमको फ़ोन अच्छा चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। बहुत सारे लोग हमसे ये भी बोलते हैं कि भाई अमर भाई हमको 11,000 रुपये से यानी 10,000 रुपये से लेके 20,000 के बीच का जो बेस्ट बजट स्मार्टफोन हो, जो कि आपके हिसाब से अच्छा रहे, जिससे YouTube वीडियो बहुत अच्छे से बन जाए, एडिट हो जाए, अपलोड हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना है, तो वो हमको ऐसा फ़ोन बताओ। लेकिन मैंने आज तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई कौन से ब्रांड का आप लोग फ़ोन ले सकते हैं और किस ब्रांड में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं, मैंने ये नहीं बताया था कि भाई कौन कौन सा बजट बेस्ट बजट फ़ोन इस टाइम के हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल Amazon और Flipkart पर डील चल रही है बहुत ही बढ़िया, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कम से कम 5 से 10 फोन मैं अपने हिसाब से छांटूं, और लिस्ट भी मैंने बना ली है। आप लोग से बस इसी वीडियो में ये राय लेने आया हूँ कि आप, मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 से लेकर 20,000 के बीच का जो बजट सेगमेंट होता है और जो बेस्ट स्मार्टफोन होते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। अब चाहे यूट्यूब वीडियो की बना सकते हैं, चाहे फेसबुक की वीडियो बना सकते हैं, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी अगर मान लो यूज़ करना चाहें, रील्स वगैरह बनाते हैं, तो भी दोस्तों मैं ऐसे फ़ोन सेलेक्ट किए हूँ ना कि दोस्तों आपका सभी सोशल मीडिया में काम आ जाएगा। तो आप लोग से बस यही राय लेने आया हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करके हमको ये बताइएगा क्या आपको ये वाली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और आप लोग को अगर चाहिए तो आपका जो बजट सेगमेंट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। और प्लीज़ अपना जो मतलब कि ब्रांड हो, जिस ब्रांड को भी आप लोग प्यार करते हो, चाहे रियलमी हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे शाओमी हो, चाहे MI हो, मतलब कि कोई भी हो, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। तो मतलब उस टॉपिक पर हमेशा मतलब हमें मेरा ध्यान रहेगा, हम सारे कमेंट्स को रीड करेंगे कि भाई इस ब्रांड को हमको ज़्यादा देखना और इस ब्रांड में भी कौन सा बेस्ट बजट स्मार्टफोन है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखूंगा, ऐसा नहीं ना, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि भाई 5G आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए फ़ोन डिसाइड करूंगा, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर दोस्तों आपको 2-3-4 महीने बाद दोस्तों फ़ोन जो है एक्सचेंज ना करना पड़े, या फिर अपने ऊपर अफसोस ना हो कि यार मैंने तो 4G फ़ोन खरीद लिया। और अगर 4G फ़ोन मैं सेलेक्ट करूंगा अभी, तो उसमें बताऊंगा कि ये आप लोग के लिए क्यों बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर भाई पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बस नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें वैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों तब तक के लिए मैं मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।